हेलो नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिका पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, BHU PG एडमिशन की तीसरे राउंड का जो एडमिशन प्रोसेस है समाप्त किया जा चुका है और एक बहुत ही बड़ी खबर जो है निकल के सामने आ रही है, न्यूज़पेपर का कटिंग है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अब तक कितनी सीटें जो है भर चुकी हैं और अब जो है कितनी सीटें खाली हैं और आपके एडमिशन का कितना उम्मीद अभी भी बरकरार है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, और अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि BHU में PG की 8800 सीटें भरी, यानी कि BHU में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के लिए प्रवेश प्रक्रिया अंतिम दौर में है। चौथे राउंड का रिजल्ट आने वाला है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपडेट कर दिया है। ठीक, BV के मुख्य कैंपस के लिए सीटें भर चुकी हैं। अब BV के संबंध चार कॉलेजों की खाली सीटें भरने की कायवाद तेज की गई है। तो इनका जो कहना है, मुख्य कैंपस के लिए सीटें भर चुकी हैं, अभी सारी सीटें नहीं भरी हैं, ठीक है ना। मुख्य कैंपस में भी कुछ सीटें खाली हैं, तो वो खाली सीटें किनको मिलेंगी? एफिलेटेड कॉलेज वाले बच्चों को जिनका अपग्रेड होगा, ठीक है। और अब तक तीन राउंड के मेरिट लिस्ट फाइनल हो चुकी हैं। मुख्य कैंपस की 6500 सीटें और संबंध कॉलेजों की 2300 सीटें भर चुकी हैं, लेकिन करीब 1200 अभ्यर्थी अपनी सीटें निरस्त कराने में जुटे हुए हैं। यानी कि लगभग 1200 बच्चे जो हैं अपना एडमिशन कैंसिल कराने वाले हैं BHU से, जिन्होंने कैंसिल भी करा लिया है। बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए अप्लाई भी कर दिया है, ठीक। इसके बाद वहीं दूसरे BV में दाखिला कराने के प्रयास में हैं, यानी कि जो 1200 बच्चे हैं ये अपनी सीटें BHU से निरस्त करके दूसरे विश्वविद्यालय में एडमिशन कराने के लिए प्रयासरत हैं। उनकी सीटें निरस्त होंगी तो जाहिर सी बात है कि प्रतीक्षारत दूसरे छात्रों के लिए संभावना बनेगी। केंद्रीय प्रवेश समिति ने चौथे राउंड की सूची जारी करने की तैयारी कर दी है। यानी कि यह जो है दैनिक जागरण का न्यूज़ है, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर जो है निकल के आई है, और इन्होंने सारा डिटेल इसमें दे रखा है कि 8800 सीटें भर चुकी हैं, 6500 सीटें जो है मेन कैंपस के लिए और 2300 सीटें जो है एफिलेटेड कॉलेज में भर चुकी हैं। 1200 बच्चे अपना एडमिशन कैंसिल कराने में जुटे हुए हैं। तो ये 1200 बच्चे जब अपना एडमिशन कैंसिल कराएंगे तो ये सीटें किसी और को मिलेगी। तो चौथे राउंड का जो भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, भाई आपका इंतजार जायज़ है, बिल्कुल इंतजार करिए। अगर मेन कैंपस नहीं मिला तो एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपको BHU में ही पढ़ना है, डिग्री BHU की ही चाहिए, तो आखिरी समय तक आप काउंसलिंग में बने रहिए, हिम्मत मत हारिएगा, धैर्य बना के रखिएगा। और कुछ कोर्स के बच्चों के लिए मैं भी माफ़ी चाहूँगा, जैसे कि MSc एग्रीकल्चर वाले बच्चे हो गए, माइक्रोबायोलॉजी वाले बच्चे हो गए, साइकोलॉजी वाले बच्चे हो गए, क्योंकि आपकी सीटें जो हैं वो चाहे मेन कैंपस की हों चाहे एफिलेटेड कॉलेज की हों। एग्रीकल्चर वगैरह एफिलेटेड में चलता है नहीं, और साइकोलॉजी वगैरह एफिलेटेड कॉलेज की भी सीटें भर चुकी हैं। कट ऑफ उसकी अगर आती भी है अगले राउंड में तो भी हाई ही रहने वाली है, ठीक है। तो यह खबर है आप सभी लोगों के लिए, लगातार अपना पोर्टल चेक करते रहिए। चौथे राउंड का रिजल्ट कब आएगा मैंने बता दिया एक वीडियो में, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। BHU PG की पल पल की अपडेट हम आपको ऐसे ही देते रहते हैं। वीडियो को लाइक और दोस्तों के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।